तो चलिए अब डिस्कस करते हैं रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से मॉडल वन, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे हम किसी रो या क्यू में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की पोजिशन दोनों एंड से दी गई हो। तो पॉइंट यहां पर यह है कि इन ए रो ऑफ पर्सन इफ द पोजिशन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इज आर फ्रॉम द राइट एंड एंड एल फ्रॉम द लेफ्ट एंड, देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो विल बी इक्वल टू आर प्लस एल माइनस वन। तो जैसे पॉइंट में दिया गया है कि किसी रो ऑफ पर्सन में जब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन हमें दोनों एंड से पता हो, राइट, जैसे मान ले कि किसी एक पर्सन की पोजीशन राइट एंड से आर है और लेफ्ट एंड से एल है, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर प्लस एल माइनस वन। यानी ये सिंपल फॉर्मूला है, हमें इसकी दोनों पोजीशन को एड करना है जो अलग अलग एंड से दी गई है और उसमें से वन सबट्रैक्ट करना है, आर प्लस एल माइनस वन, राइट। सो इससे आ जाएगा हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। जनरली यहां पर यू नो कई स्टूडेंट समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे आर प्लस एल। जैसे मान ले कि अगर हम कहें कि किसी पर्सन की पोजीशन लेफ्ट एंड से 10 है और राइट एंड से 5 है, सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आएंगे 10 प्लस 5 15। लेकिन 15 यहां पर रॉन्ग आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 15 माइनस 1, राइट, 10 प्लस 5 माइनस 1, 15 माइनस 1 14। माइनस वन हम यहां पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम 10 प्लस 5 इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं हमने उस पर्सन की पोजीशन दो बार ऐड कर ली है, राइट, हमने उस पर्सन को दो बार काउंट कर लिया है, राइट हैंड से भी हमने उसे काउंट किया और लेफ्ट हैंड से भी हमने उसे काउंट किया है, इसीलिए हमें वन सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ध्यान में रखिए कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर प्लस एल नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे आर प्लस एल माइनस वन। या फिर अगर फ्रंट एंड से बैक, फ्रंट एंड और बैक एंड से पोजीशन दी गई हो, राइट, चाहे किसी भी प्रकार का यू नो रो हो या क्यू हो, राइट, जब हमें किसी पर्सन की, किसी भी पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से पता हो, फ्रंट एंड और बैक एंड, या लेफ्ट एंड या राइट एंड, या फिर मान ले टॉप और बॉटम दोनों पोजीशन दी गई हो, राइट, जब हम किसी क्लास के स्टूडेंट्स को अरेंज कर रहे हैं उनके रैंक के अनुसार और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का रैंक टॉप एंड और बॉटम एंड दोनों एंड से दिया गया हो, तब भी हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आर प्लस एल माइनस वन, यानी सम ऑफ द पोजीशंस फ्रॉम बोथ द एंड्स माइनस वन। तो चलिए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल वन मॉडल वन से। राहुल रैंक्ड 9th फ्रॉम टॉप एंड 38th फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राहुल की रैंक दी गई है टॉप और बॉटम दोनों जगह से, राइट, टॉप से राहुल का रैंक है 9 और बॉटम से अगर हम चेक करें तो राहुल का रैंक होगा 38 और हमें पता करना है कि इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स है। जैसे हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ पर्सन किसी क्लास में या रो में या क्यू में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ बोथ द पोजीशन, हमें उसकी दोनों पोजीशन को ऐड करना है जो अलग अलग एंड से दी गई है और उसमें से वन सबट्रैक्ट करना है। हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहां पर होंगे, राइट, एक एंड से पोजीशन है 9 और दूसरी एंड से है 38, राइट, सो 9 प्लस 38 माइनस 1, टॉप पोजीशन प्लस बॉटम पोजीशन माइनस 1, 9 प्लस 38 है 47, 47 माइनस 1 46, सो इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे 46। और अब हम सॉल्व करेंगे एक और एग्जाम्पल मॉडल वन से। क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन नीता इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, इफ शी शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट एंड ऑफ द रो बाय 4 प्लेसेस शी बिकम्स 8th फ्रॉम द राइट एंड, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो। सो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है किसी रो में नीता की पोजीशन 15th है लेफ्ट एंड से, राइट, लेफ्ट एंड से नीता की पोजीशन 15th है। अब जब नीता को राइट एंड की तरफ शिफ्ट किया गया, राइट, उसे चार पोजीशन शिफ्ट किया गया, 4 प्लेसेस राइट एंड की तरफ शिफ्ट किया गया और ऐसे शिफ्ट करने के बाद नीता की पोजीशन हो गई 8 फ्रॉम द राइट एंड, राइट। ध्यान रखना है कि पहले हमें लेफ्ट एंड से पोजीशन दी गई थी 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड और अब हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं राइट एंड की तरफ चार पोजीशन से और ऐसा शिफ्ट करने के बाद उसकी जो पोजीशन राइट एंड से हुई वो थी 8 और हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, राइट, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। जैसे हम सभी जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन किसी रो में, किसी भी रो में कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन चाहिए दोनों एंड से, राइट, सो हम वही यहां पर करने की कोशिश करेंगे, राइट, नीता की पोजीशन कैलकुलेट करेंगे दोनों एंड से। जैसे ही हमें नीता की पोजीशन, चाहे वो पुरानी पोजीशन हो, ओरिजिनल पोजीशन या नई वाली पोजीशन, दोनों एंड से पता चल जाती है, हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो देखते हैं क्या है यहां पर, नीता की पोजीशन ओरिजिनली कितनी थी, 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, राइट, अगर हम लेफ्ट एंड से कैलकुलेट करें, ये मान लेते हैं लेफ्ट एंड है और ये है राइट एंड, राइट, सो 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से नीता की पोजीशन थी 15, ये है ओरिजिनल पोजीशन नीता की और उसे शिफ्ट किया गया राइट एंड की तरफ, राइट, नीता को अगर हम राइट एंड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं कितने पोजीशन से, 4 पोजीशन से, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, नीता की नई पोजीशन हो जाएगी ये, देते हैं एन डैश। अब अगर आप ध्यान दें, ओरिजिनल पोजीशन थी 15, नई पोजीशन क्या होगी लेफ्ट एंड से, 15 प्लस 4 19, जैसे नहीं, क्योंकि 15
16, 17, 18, 19. So, Janita की नई position है, वो हो जाएगी 19 from the left hand, right? 15 plus 4, 19 from the left hand. क्योंकि हम उसे 4 places shift कर रहे हैं इस तरफ, right? So, 19 from the left hand. नीता की नई position left hand से 19th है. लेकिन question में ये दिया गया है कि उसकी position shift करने के बाद 8 हो जाएगी right hand से, right? If she shifted towards the right end of the row by 4 places, she becomes 8 from the right end. यानि ऐसा करने के बाद नीता की position right end से हो जाएगी 8. यानि ये जो नई position है n dash, कितनी है? 8. कौन से end से? Right end से. अब अगर आप ध्यान दें, हमें नीता की जो नई position है, वो दोनों end से पता है. Right? Left end से है 19th और right end से है 8th. और जैसे ही हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पता चल जाती है दोनों एंड से, राइट, कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन हमें दोनों एंड से पता हो, हम टोटल नंबर ऑफ पर्संस कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? लेफ्ट एंड पोजीशन प्लस राइट एंड पोजीशन माइनस 1. सो इसका आंसर हो जाएगा 19 प्लस 8 माइनस 1. 19 प्लस 8 27 माइनस 1 26. सो टोटल नंबर ऑफ पर्संस यहां पर होंगे 26. सो सिंपल कांसेप्ट है, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन को दोनों एंड से पता कर ले, राइट. जैसे ही हमें कोई पोजीशन दोनों एंड से पता चल जाती है, टोटल नंबर ऑफ पर्संस हम कैलकुलेट कर सकते हैं.